सोनू कुमार। अच्छा करते क्या हो? पढ़ते और पढ़ाते। पढ़ते और पढ़ाते भी हो? यस। अब माइक कैसे ले लियो? रिपोर्टिंग भी करते हो क्या? माइक आप दिए ना। हम दिए हैं माइक। हम रिपोर्टिंग कहाँ करते हैं? तुम रिपोर्टिंग नहीं करते हो? अच्छा तुम अपने पिताजी का शिकायत किए थे कि तुम्हारे पिताजी दारू पीते हैं और तुमको नहीं पढ़ाते हैं। यस। तो इस पे क्या कहना चाहते हो? इस पे हम यही कहना चाहते हैं कि अगर कानून उनको सजा देने के लिए तैयार है तो वो भी हमको मंजूर है। लेकिन तुमको पढ़ना है? हाँ, लेकिन हमको पढ़ना है क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं वायरल सोनू के बारे में बात करने वाला हूँ। जी दोस्तों, इस चैनल पर तो आपको दुबई से रिलेटेड वीडियो मिलता है, लेकिन मैंने सोचा कि यार मेरा इंडिया के एक छोटा राज्य बिहार से जो बच्चा गरीब परिवार में रहकर भी और वो माननीय श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से जाकर डायरेक्ट अपने पढ़ाई के बारे में और शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए बात करता है, और ये बच्चा अपने पिता के प्रति बोलता है कि मेरा पिता शराब पीते हैं जिसकी वजह से हमारा पढ़ाई सही समय सही ढंग से कम्प्लीट नहीं होता है। तो ये बच्चा जो कि खुद के कॉन्फिडेंट के साथ मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार से बात कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? अगर आपके पास कोई सा टैलेंट है, जैसे पढ़ाई में अच्छे रुचि रखते हो या आपका खेल कूद में भी कोई सा टैलेंट है, तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसे में ये बच्चा मतलब उससे उस दिन अगर मुख्यमंत्री से नहीं मिला होता तो आज ये बच्चा अभी रोड पर रहता। लेकिन अब इस वक्त सभी के सभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसे मैं इस वीडियो को पब्लिश इसलिए किया कि आप सभी ऑडियंस को मुझे मोटिवेशन करना है, मोटिवेट देना है कि आपके पास जो भी टैलेंट है उसको इम्प्रूव करो, उसको किसी को दिखाओ, किसी को सुनाओ, तब जाकर आपका खुद का टैलेंट किसी को पता चलेगा और जिससे कि आपका जो मनोकामना होगा वो पूरा होगा। तो आज की वीडियो बस यही था। सोनू बॉय के लिए दिल से सैल्यूट।